ये हमारे साथ थे, किश्तवाड़ के ही अंकल हैं, तो इन्होंने हमें पूरा इस जियारत के बारे में बताया, तो काफी मजा आया सुन के। जो जो भी इस वीडियो को देखेगा, जो जो भी किश्तवाड़ आना चाहेगा, तो इस जियारत पे जरूर आए। यहाँ सतल माता की जियारत भी है, वहाँ पर भी जाना चाहे। जी जी जी। यहाँ जैन वाली जियारत है भंडारपुर में, वहाँ पर भी। यहाँ बहुत सी जगह है, देवी देवताओं की और बुजुर्गों की जगह है। ये बाबू ये देखो, नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अभी किश्तवाड़ में हूं और बड़ी एक फेमस जियारत के बिल्कुल सामने खड़ा हूं। तो आइए जानते हैं इस जियारत की पूरी हिस्ट्री और इस जियारत के बारे में। तो चलिए अंदर चलते हैं, तो इस जियारत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, अभी जो हम जियारत के बिल्कुल अंदर आए हैं, बिल्कुल मेन पोर्च में हम जियारत ही आए हैं। यहाँ से जो है जियारत जाने का मेन रास्ता है। तो चलिए हम जूते वूते यहाँ बाहर निकालेंगे, हाथ हाथ धोएंगे, तो फिर अंदर चलते हैं। जियारत के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ से जियारत जाने का मेन रास्ता है। तो आइए हमारे साथ, हम जियारत के अंदर जाते हैं। ये जियारत का बिल्कुल मेन, मैं अभी जो हूँ किश्तवाड़ जियारत के बिल्कुल अंदर हूँ। तो हमारे साथ बशीर अहमद जी है, तो इस जियारत के बारे में, जो इसकी हिस्ट्री के बारे में, आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। और मुझे आगे नमस्ते। नमस्ते। तो ये बशीर अहमद जी है, जो यहाँ के खिदमत गुजार है, जो यहाँ की, जैसे हम अब बोलेंगे कि यहाँ के पूजा पाठ ही करते हैं, तो इनको पूरा मालूम है यहाँ इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं इस जियारत के बारे में। ये बगदाद शरीफ से आए हैं, आज से 450 साल पहले। बगदाद शरीफ इराक से? इराक से, इराक से। जी, इनको हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से कि आप फलानी किश्तवाड़ इलाका है, वहाँ जाओ और वहाँ में तबलीग आप हो जाए। जी जी। ये जब वहाँ से बगदाद शरीफ से पहुँचे, तो उन्हें दिल्ली में भी बहुत दहेज पढ़ाया। अच्छा, बगदाद शरीफ इराक से जो है, पहले ये दिल्ली आए? दिल्ली आए। जी, वहाँ से भी इनके अजय मुस्ताद है। अच्छा। उसके बाद फिर ये वहाँ से पंजाब के रास्ते बटाला, बटाला के रास्ते कुठवा, कुठवा के रास्ते यहाँ रामबन में भी इनकी बैठक है। जी, वहाँ जी, पर भी इनकी इबादत की है। अच्छा। गोल में भी इनकी बैठक है। फिर रामबन से होते होते काश्तीगढ़। अच्छा, काश्तीगढ़। काश्तीगढ़ से पहुंचे फिर डोडा नगरी में इनने एक निकाह और किया राजपूत घराने से। पहले इनकी शादी जो एक बगदाद में हुई, दूसरी इन्होंने दिल्ली में करी, वो तीसरी शादी इन्होंने जो है डोडा नगरी में की, राजपूत घराने में। जी, उसके बाद फिर ये किश्तवाड़ आए। उसके बाद फिर ये यहाँ किश्तवाड़ आए, यहाँ केशवान के रास्ते से। अच्छा, केशवान बनारपुर। जी जी। बनारपुर से फिर यहाँ किश्तवाड़ में मकाम इन्होंने किया, और यहाँ से तबलीग करते करते ये कश्मीर तक गए हैं। जी जी जी। हाँ, तो हमने सर इनके जो बड़े बेटे हैं, इनके बड़े बेटे का नाम है सैयद शासरुद्दीन वली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि वली। उनके हमने बड़ी करामातें सुनी है यहाँ की, उनके बारे में जरा बताइए। उनका एक, उनने दो तीन करामातें की। जी जी जी। उनके पास एक ब्राह्मण लड़का था, वो उनसे हाली खेलता था, उनका जो दोस्त था। दोस्त था। जी जी। वो जब हाली खेलता था प्लेट में, तो उनकी दो बाजें उस पर चढ़ गई। अच्छा। तो उसको फिर दूसरे दिन वो यहाँ अपनी खुद रात को सोया, तो सुबह गुजर गया। अच्छा, वो ब्राह्मण लड़का जो है रात को गुजर गया। फिर वो उसको शमशान घाट के लिए चलाने लगे थे। जी, वो चिनार का दरख्त आपने देखा होगा। जी जी जी, चिनार का दरख्त जो आगे। तो हजरत सैयद शाहफरीद्दीन ये यहाँ से पले चल रही थी चौगान के लिए चक्कर को। जी। इनने कहा ये कौन है? कहते हजरत ये वही लड़का जिसने आपसे खेला था, ये आपका दोस्त, इसको छोड़ो नीचे। और इसने अपनी जिस हाली से खेलते उसी से हाली से इसको इशारा दे दिया कि तुम बिजनी, यानी अल्लाह की तरफ से आप ऊपर उठो। अच्छा। और मेरा कर्जा उतारो, उसके बाद खुद अब चले जाओ। फिर जब वो जिंदा हुआ, तो कहता मेरा कर्जा उतारो, जो मैंने आपकी दो गेंदें खेली। अच्छा अच्छा। फिर उसने और खेला, तो उसके बाद वो उतारी इसको, तो अल्लाह ताला से मांगा, फिर वो रुखसत हो गई इस दुनिया से। और मतलब उन्होंने उसको जिंदा कर दिया। जिंदा कर दिया। तो उसके साथ खेला उसके साथ, फिर बाजें उतारी, फिर वो चला गया। तो दूसरी उनके बारे में सुना है कि वो जो दीवार पे चढ़ के पूरा किश्तवाड़ घूमे थे। ये जो दीवार जो है, इनके पास एक शेर पर आया था सवार, हजरत सैयद शाहफरीद्दीन बगदादी के पास, यहाँ का राजा जो था। अच्छा। वो शेर पर आया सवार, तो हजरत सैयद शाह असदुद्दीन वली अपने वालिद साहब के सामने बैठे थे। उनने कहा इसने क्या ताजुब किया, ये शेर पर आया, अगर ये बेजान चीज पर चढ़ेगा तो मैं इसको देखूंगा। अच्छा। तो उनने कहा खामोशी करो, माजरजाद वली थे, माँ के पेट में असरार साहब। तो वो चढ़े दीवार पर, दीवार के चौक जो है, इस चौक से आज दीवार चढ़ के वो यहाँ पर है। अच्छा, तो है वो यहाँ पे। उस दीवार आज भी वो दीवार मौजूद है? आज भी दीवार में मौजूद है। अच्छा। जमीन पर है, ऐसे नहीं। अच्छा अच्छा। थोड़ा बहुत उसको प्रदर्शन किया।
तो उसके बाद वो देवार यहाँ पर है, तो देवार पर चढ़ जा तो पहुँचे इनके पास, तो उसने कहा ये शेर जी हमने दीवार पर चढ़ा। हजरत साहब कहने लगा अपनी इनको बादशाहों को, कहते भाई मादरदार बनी माँ के पेट में। तो फिर उसके बाद वो क्या अपने वालिद साहब के पास गए, उसने कहा क्या गुनाहगार हो जाऊँगा मैं, मैंने इसको इतनी बशारत की थी, हिम्मत कर दो कि अल्लाह ताला के पास मैं आया हूँ, खुदा बनकर मैं ना है, मैं एक वली बनकर आया हूँ, मुझे तबलीग करनी है, कल खुदा मत समझे कि मुझे ही भगवान। अच्छा, फिर उन्होंने दुआ की तो असरार साहब इस दुनिया से रहलत कर गए। वो सुना है कि वो 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में गुजर, छोटी उम्र में। अच्छा, तो उनके जो छोटे बेटे थे वो कितनी उम्र में गुजर गए थे? वो वहाँ लिखा है ना, वो एक वो कोई 18 साल की, 18 साल के, वो जो सबसे छोटा बेटा था उनका वो 2.5 साल की, 2.5 साल की। तो ये जो मकान है, थोड़ा सा आप ऊपर उठिए, तो हमने सुना है कि ये जो जो वो छड़ी थी जिससे उस लड़के को उन्होंने जिंदा किया था, वो छड़ी भी इस कमरे में है। इनकी छड़ी भी है, इनकी वो आशा मुबारक भी है जिससे पानी यहाँ निकाला दुर्गा स्नान में। तो वो 21 जून को वो दिखाते हैं, उस जब होता है उस दिन वो इनकी तुबरबा दिखाते। इनका चौबाई मुबारक है, इनका आशे मुबारक है। अच्छा। इनका कुलाई मुबारक है, हजरत पीरान गौसुल आजमी की तरफ से जो तोहफा मिला है जी जी जी, वो इसको 21 जून को दिखाते हैं। और इनका जिससे पानी निकाला है जी जी, जब ये पहुंचे थे इस पहाड़ी पर जी जी, तो इनके खलीफों के कहने लगे कि हजरत यहाँ पानी नहीं है। अच्छा। हम मुंह धोएंगे। इनने वो आशा मुबारक रखा दीवार पर, तो दीवार से पानी निकला पहाड़ी से। तो वो पानी आज भी किश्तवाड़ की जनता पीती है? वो आज भी पानी किश्तवाड़ की जनता पीती है। और वहां जब जाओगे तो आपको पता नहीं किस 5-6 किस्म का पानी प्रसिद्ध आता है, रंग आते हैं उसमें, नीला भी, पीला भी, हरा भी, और नीचे बिल्कुल सफेद पानी, और खुशबू इतनी पानी की, वही पानी किश्तवाड़ के लोग पीते हैं। तो वो जो चीजें आपने बताई वो सारी की सारी इस कमरे में है। यही मस्जिद है सबसे पहले यहाँ। अच्छा। जब ये आए थे इबादत इसी कमरे में कर रहे थे, यही मस्जिद है। और 21 जून को इनका तुबरबात, तो इनका जो है ये जो घर है ये इन्हीं का घर है, इन्हीं का घर है। ये जो चीजें बनाई गई है, ये जो दीवार पे इतने अच्छे अच्छे ये वो ये जो बनाई गई है, उसी टाइम की है। बाद में आप कलर शर इसको कलर वगैरह किया है, मगर जो ये चीजें जो उसी टाइम का बना हुआ है। तो यहीं पे वो इबादत वहाँ रोटी बनाते, उस पास जान की है। अच्छा अच्छा, इबादत मस्जिद वाला यही कमरा तुबरबात के लिए है। और इसके 14, 20, 21 को जून को दिखाते हैं। अच्छा। इनके बेटे का उर्स होता है 9 नवंबर को, 10 नवंबर को। अच्छा। असरार साहब का नीचे। अच्छा। उसमें भी जम्मू से लोग, पठानकोट से लोग, कठुआ से लोग, बगैरों मजहब और मिल्लत सभी लोग आते हैं, और सभी लोग यहाँ मुरादियाँ हासिल करते हैं। जो मकसद लोगों को होता है वो मकसद पूरा करते हैं। तो एक सवाल था मेरे मन में, जैसे कि दो बेटे इनको यहीं पे है, जो इनका बड़ा बेटा है वो नीचे क्यों है? उसको असरार साहब को कहते हैं कि इनको ले जाएंगे कश्मीर। अच्छा। जब वो कश्मीर के लिए उसको चलाते थे तो उनने वहीं पर उसको छोड़ा, चिनार का दरख्त, चिनार का दरख्त है जहाँ पे वो जो ब्राह्मण लड़के को उन्होंने जिंदा किया था। जब उधर उन्होंने छोड़ा इसको, तो अब जब बहुत आदमी बनेंगे इसको उठाएंगे ऊपर, जब वो उठाने लगे वो उठने नहीं लगा उधर से। अच्छा अच्छा। उसके बाद वो कुछ आदमी वापस गए। अच्छा। उसके पास आए, कहते हजर ये यहाँ से नहीं उठता है, तो अच्छा जिसमें आप कहते इसको एक बात करो, ये हमारे सामने रखा है। जैसे जहाज की तरफ वो उड़ा ऊपर से, जब लोग यहाँ से बोए वो बैठा वहाँ जो निचली जगह थे वहाँ झाड़ियाँ थी, वो झाड़ियों में बैठा। अच्छा। कहते ये हमारे सामने रह गई है यहाँ से कश्मीर में। मतलब उनको किश्तवाड़ से इतना प्यार था कि उन्होंने बोला कि मुझे किश्तवाड़ नहीं रहना है, मुझे कश्मीर नहीं जाना है, नहीं जाना। और माँ के पेट में ही मादरदार बनी, किसी उस्ताद से तालीम हासिल नहीं। अच्छा अच्छा। जब उनकी माँ तिलावत करती थी वो भी अंदर से करती, जब वो पैदा हो गए तो शाफुद्दीन साहब ने लगाया उनको टीचर पढ़ाने के लिए, उस्ताद। अच्छा अच्छा। जब उस्ताद ने कलाम पाक खोला तो उनने खुद पढ़ना शुरू किया, उस्ताद ने कलाम पाक बंद किया, वो बड़े हजरात के पास आए, कहते यहाँ मेरी ताकत नहीं इसको पढ़ाने की, ये मादरदार बनी है माँ के पेट में, इसने कुरान खुद पढ़ा है। तो थोड़ा ये जो मकबरे हैं यहाँ पे, इनसे जानने की कोशिश कर रहा था मैं कि ये जो ये मकबरा जो है, ये मकबरा ये कौन है? ये इनके फर्जन हैं। अच्छा। हाँ। ये इनके फर्जन है, ये छोटे छोटे वाले हैं कि बीच वाले? ये बीच वाले हैं। अच्छा। तो यहाँ से हम अंदर की ओर चलेंगे।
ये मकबरा किसका है? ये हजरत सैयद शाफरुद्दीन बगदादी का। अच्छा, ये जो आए थे इराक से, जो आए अच्छा शाह साहब ये उनका मकबरा है। इनके साथ बेटा है, इनके साथ जो छोटा बेटा है इनका, जो सिर्फ 2.5 साल का था, वो भी इन्हीं के साथ यहाँ पे है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये उन्हीं के टाइम का है। जब वो यहाँ आए थे तो ये उसी टाइम का ये बना हुआ है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। हाँ, ये पेंट वगैरह जो है किया हुआ है, मगर ये जो सब वही है। ये जो आप कमरा दिख रहे हैं, ये लॉक है, ये इनकी जो जितनी भी इनकी वाइफ्स थी वो सारी जो है यहाँ पे है। यहाँ पे आम आदमी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पे जो आपने सुना था कि जो हमने आपको बताया था, जो नगरी के जो रानी थी उनको इजाजत है जाने की, वहाँ के जो नगरी के लोग हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ जाने की इजाजत है। बाकी और डॉक्टर करण सिंह जाता है यहाँ, जो हमारे डॉक्टर करण सिंह जी है वो जाते हैं अंदर, वो गए, उनको यहाँ जाने की इजाजत है। बाकी आम आदमी किश्तवाड़ का या कहीं का भी आदमी, उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो आइए हम अभी बाहर चलते हैं। जिस दीवार के बारे में इन्होंने हमसे जिक्र किया था, उस दीवार के पास आपको लेके चलते हैं, उस दीवार के भी दर्शन आपको कराते हैं। ज़ियारत के हम बाहर आ गए हैं, तो अभी हम आपको वहां लेके चलते हैं, जो अंकल ने जो दीवार के बारे में हमें बताया था, जिस दीवार पे उन्होंने पूरे किश्तवाड़ का चक्कर किया था। तो आइए चलते हैं, मैं आपको उस दीवार के पास लेके चलता हूँ। तो बड़े एक्साइटेड है हम लोग उस दीवार को देखने के लिए। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पीछे पीछे आइए। ये जो है, ये दीवार जो है वही दीवार ये जमीन पर, ये वहां से उधर उस चौक से चलकर आई है। अच्छा, बस तो ये पूरी की पूरी दीवार वही है, इधर से उधर की पूरी दीवार है। ये जमीन पर हमने प्रोजेक्शन की, लोग यहाँ से मिट्टी लेते। अच्छा, तब तक वो मिट्टी लेते थे। अच्छा अच्छा, फिर हमने इसको जाली भी लगवाई। तब से लेके, मतलब 16th सेंचुरी की बात है, और तब से लेके दीवार वैसी की वैसी है। अच्छा अच्छा, ये बिल्कुल जमीन पे है, ये बाद में जो है प्लंट वगैरह बाद में दिया गया है, लोग मिट्टी निकालने लगे थे। अच्छा अच्छा, जाली पानी क्या भी है, निकल ही नहीं जाए। कहते हैं कि ये जो दीवार में जो मिट्टी है, बाहर से लोग आते थे, जम्मू कश्मीर के बाहर से लोग यहाँ आते थे और इस मिट्टी को निकालते थे और अपने साथ लेके चलते थे। तो बाद में ये जो यहाँ पे इसकी जो छत वगैरह की गई है, ये पहले से ही है अब करी है? हम इसको कम से कम 5-6 साल हो गए, 5-6 साल से। तो बाकी ऐसे बारिश बर्फ वगैरह खुली होती थी, इसमें दीवार को कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। अच्छा, बुजुर्गों की दीवार, ये जो है कि ये सिर्फ 5-6 साल से इसको कवर किया गया, कुछ नहीं, इतने बोंचाल इसको कुछ नहीं हुआ। कितने लोग, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे दर्शन किए आते हैं? पंजाब से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, बंगलौर से, हर एक जगह से आते हैं। यहाँ मजहबा मिलत किसी की कोई नहीं, चाहे वो किसी जात का भी, किसी कास्ट का भी, यहाँ सब मुरादे के लिए लोग आते हैं, यहाँ मजहब मिलत किसी का नहीं। तो अंकल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अंकल आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, जो जो भी इस वीडियो को आपके माध्यम से और हमारे माध्यम से देखेंगे, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश दे, इन जगहों पर आना चाहिए, अपनी मुरादें पूरी करनी चाहिए, यहाँ मजहब मिलत किसी का रोक ठोक नहीं है, यहाँ सभी आते हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सभी आते हैं, और इन खानकाओं पर आना, अपनी मुरादें पूरी करनी चाहिए। धन्यवाद अंकल जी। चलो, ये जो हम कब्र देख रहे हैं, ये किसकी है? राजे की कब्र है, जो यहाँ का राजा था उस टाइम, जो राजा था यहाँ का। तो अंदर ये जो मकबरा है, ये किसका है? दोस्त हैं खलीफे इनके, चार। अच्छा, इनके दोस्त हैं, ये उनका मकबरा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाने की कोशिश करें। साथ थे और एक इनका जो दोस्त था वो सिंध का नवाब था, सैयद शाहबदार साहब, जिसका ज़ियारत डोगा में है, चौगान से नीचे, वो सिंध का नवाब था। जब शाफरुद्दीन बगदादी वहाँ पहुँचे हैदराबाद दक्कन में, ये ऊंट पर सवार थे, समंदर किनारे चक्कर करते थे। इसको रात को ही सपना आया था कि फलानी वली कामिल इधर से आएगा, तो अपनी अब बादशाही और गवर्नरी छोड़ो इसके पीछे। जब शाह साहब के लिए मैं आपके साथ हूँ, इन्हें कहा आप बादशाह मुल्क के, मेरे साथ में फकीर लोग उन्हें जवाब दिया, कहते नहीं मुझे रात को आया, इन्हें अपनी टोपी रखी सिर से पर, शाहबदार साहब से उसकी ज्यारत नीचे डोगा में, चौगान के नीचे, जहाँ उसके बाद फिर जैनदीन वली के है बनारपुर। अभी तक हम ऊपर वाली दरगाह में आए थे, तो जैसे कि वहाँ पता चला था हमें कि वो स्टोरी जो उन्होंने एक ब्राह्मण लड़के को ज़िंदा किया था। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये जगह देख रहे हैं आप, इसी जगह पे उस ब्राह्मण लड़के को उन्होंने नीचे रखा था, और
उस छड़ी से उसको जिंदा किया था। यही वो पेड़ है, यही वो जगह है, इसी स्थान पे उनको जो है जिंदा किया था। और यहाँ से बाद में प्लेट ग्राउंड लेके गए थे और वहाँ पे उन्होंने जो है उनके साथ फिर वो गेम खेली। तो जहाँ से नीचे हम जाते हैं जहाँ उनकी ज़ियारत है, अब मैं आपको नीचे वाली ज़ियारत में लेके आया हूँ। तो जैसे कि शाह असदुद्दीन साहब जो थे, जब उनकी जो मृत्यु हुई थी तो उनको जो है कश्मीर की ओर लेके जा रहे थे। तो जब यहाँ इस जगह पे पहुँचे उस टाइम पे, तो उनका जो काफिला था वो यहाँ पे उन्होंने विश्राम किया यहाँ पे। उसके बाद जब उनको उठाने की कोशिश यहाँ से करी तो वो उठ नहीं पा रहे थे। उनको जो जितने भी लोग उनके साथ थे उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे मगर वो उनको उठा नहीं पा रहे थे। तो फिर कुछ लोग जो है वालिद साहब के पास, उनके वालिद साहब के पास वापस ऊपर गए तो उनको बोला कि ऐसे ऐसे चीज़ होगी यहाँ पे। तो उनके वालिद साहब ने उनको बोला कि इनको वहीं पे दफना दो, क्योंकि इनको किश्तवाड़ के साथ इतना प्रेम है कि ये किश्तवाड़ छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। तो तब से जो है उनको इसी जगह पे दफन किया और किश्तवाड़ के लोग इसको बनस्थान के नाम से जानते हैं। और ऊपर जो अभी हम जिस ज़ियारत पे अभी तक हम थे उसको हेरस्तान के नाम से जानते हैं। तो हमारा यही मकसद है कि इस जगह को आपको दिखाने का, कि जो भी जम्मू कश्मीर के बाहर है या जम्मू कश्मीर में जो किश्तवाड़ आना चाहता है वो इस ज़ियारत पे ज़रूर आए और यहाँ पे अपनी हाज़िरी भरे। धन्यवाद।